चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट किस प्रकार से पता करते हैं ट्रिक से। तो इससे पहले के दोस्तों दो वीडियो में मैंने बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले के दोस्तों, अगर वीडियो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 9, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आसानी से बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो यहाँ पर हम आसानी से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालेंगे कुछ ही समय में, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें एक फॉर्मूला काम में लेना है और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमें कोई भी संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए 8 हमें दिया गया है, तो इसे मान लीजिए हम अक्स मान लेते हैं, ठीक है। अक्स ये एक संख्या है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अक्स को हम ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे जिसमें दोस्तों एक संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, जिसमें दोस्तों हमें कुछ जोड़ के या घटा के ये संख्या प्राप्त करनी है। किस प्रकार से, यहाँ पर मान लीजिए ए है प्लस माइनस यहाँ पर बी है, ठीक है। ये दो संख्याएं हो गई जिसमें दोस्तों ए है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो आगे का फॉर्मूला वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर हमने जो संख्या ली है ए, इसका हमें दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है, यानी कि इसके रूट निकालना है। और यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस यहाँ हमें क्या करना है, ऊपर बी को लिखना है और बटे में दोस्तों इसका हमें दुगुना कर देना है, यानी कि 2 गुणा स्क्वायर रूट ए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन है जो सोल्व करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखने से ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए हम 8 ही संख्या लेते हैं जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो 8 हमने लिया, ठीक है, 8 की जगह है दोस्तों x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे दो भागों में इस प्रकार से बांटना है कि एक जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए और दूसरी संख्या वो जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों ए है तो ए की जगह अगर हम 9 रखें, ठीक है, और 9 में से हम 1 घटा दें तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस इसीलिए है कि यहां पर जैसे मान लीजिए 8 की जगह यहां पर हम लेते 10, ठीक है। तो 10 के लिए हम यहां पर क्या करते दोस्तों, यहां पर देखिए स्क्वायर रूट हम यहां पर 9 लेते जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके नजदीक की संख्या है, ठीक है, और इसमें हम 1 ऐड करते, ठीक है, तो यहां पर हमें 10 प्राप्त होता। तो यहां पर हो सकता है कि माइनस हो या हो प्लस, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आगे हमें क्या करना है, ये जो मान हमने लिए हैं ये इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है। तो यहां पर देखिए एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए हमने यहां पर 9 लिया है तो एक ही जगह हम 9 लिखेंगे और यहां पर दोस्तों माइनस है तो यहां पर भी हम माइनस रखेंगे। अब बी है तो बी हमारे पास 1 है तो 1 हमने ऊपर रख दिया, बटे में दोस्तों 2 गुणा और यहां पर है दोस्तों स्क्वायर रूट ए, तो यहां पर हम रख देंगे स्क्वायर रूट 9, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1 बटे 2 गुणा और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ठीक है, इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 1 बटे 2 का गुणा 3 से 6। अब यहां पर दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 17 बटे 6। अब यहां पर हमें क्या करना है, 17 में 6 का भाग लगाना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 17 में 6 का हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे 2.83, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। आप यहाँ पर दोस्तों दूसरे मेथड से 8 का स्क्वायर रूट निकाल के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2.83 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं 10 का स्क्वायर रूट हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों 8 के लिए हमने माइनस किया, यहाँ पर हमने प्लस किया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है कि जिस भी नॉन परफेक्ट नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके हमेशा आपको पास की संख्या लेनी है। जैसे 9 हमने लिया है तो 10 के पास है और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि आसानी से इसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाए, ठीक है। चलिए इसका भी हम आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ए का स्क्वायर रूट निकालना है, ए हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, सीधा मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने प्लस लिया तो यहाँ पर भी मैं प्लस लूंगा और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बी की जगह बी को रख देते हैं, 1 है हमारे पास, ठीक है, बटे में 2 गुणा स्क्वायर रूट ए है।
तो हमें पता है कि स्क्वेयर रूट ए यहाँ पर हमारे पास तीन आएगा, तो तीन का दो से गुणा यहाँ पर हो जाएगा छह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आया तीन प्लस एक बटे छह। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारे 19 बटे छह। अब 19 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 3.16। तो इस प्रकार से 10 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना आप ट्राई करते जाएंगे ये आपके लिए उतना ही इजी होता जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ऐसी संख्याएं हमें दे दी जाती है जहां पर दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं पास की संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो 8 और 10 के पास की संख्या 9 थी, लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों हम 13 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे दोस्तों हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि 13 के पास की संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक तो दोस्तों 9 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 9 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें 13 प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 13 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 16 में से हम दोस्तों 3 घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो लगभग सेम ही आएगा। और वैसे दोस्तों ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसमें दोस्तों कोई मान फिक्स नहीं होता है। चलिए अब हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 9 प्लस 4 किया है, तो यहाँ पर ए हमारा 9 है और बी हमारा 4 है। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में है स्क्वायर रूट ए, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 प्लस बी को हम ऊपर रखेंगे, बी हमारे पास 4 है और बटे में दोस्तों वही आएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6, ठीक है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 22 बटे 6, और 22 में अगर हम 6 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे दोस्तों 3.66, ठीक है। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, इसे भी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास संख्या है 16 और यहाँ पर है 3, यानी कि ए हमारे पास 16 है, तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ से तो वो आएगा 4, और यहाँ पर दोस्तों माइनस हमने लिया है तो यहाँ भी हमें माइनस लेना है। बी हमारे पास 3 है, बटे में दोस्तों हो जाएगा 2 गुणा स्क्वायर रूट 16, ठीक है। तो इस 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 4 का 2 से हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएंगे 29/8, और 29 में दोस्तों हम 8 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे 3.62, ठीक है। तो लगभग दोस्तों सेम आएंगे और लगभग में ही हमें पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है ट्रिक जिससे आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है जो आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको निकालना है 145 का स्क्वायर रूट, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसे दोस्तों दो टुकड़ों में हम बांटते हैं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके नजदीक हम देखेंगे दोस्तों की स्क्वायर रूट में परफेक्ट कौन सा नंबर है, तो वो है दोस्तों 144, और इसमें अगर हम एक एड कर दें तो ये हो जाएगा 145, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बना लिया। अब फॉर्मूला में हम अप्लाई करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 144 का होता है दोस्तों 12, हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस हमने किया है तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, अगर माइनस हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, ठीक है। बी है हमारे पास 1/2 गुणा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर रूट, यानी कि दोस्तों 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। तो अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आया हमारे पास 12 + 1/24, ठीक है। और अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 289/24, और 289 में दोस्तों 24 का हम भाग लगाएंगे तो ये 12.04 समथिंग आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।